वेलकम टू एक्वालाइव। आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ, अगर आपकी वाटर प्यूरीफायर के मेम्ब्रेन ख़राब हो गई हो या फिर चौकअप हो गई हो तो आप उसे किस तरह से चेंज करें। तो सबसे पहले आप इस बॉडी के कांच को खोल दीजिए। मैंने इसके नट्स ऑलरेडी खोल रखे हैं, तो आप इसको इस तरह से निकाल दीजिए। और ये प्री कार्बन है, आप इसे पहले निकालिए और ये इधर से भी ऐसे निकाल दीजिए, इसको आप साइड में रखिए। और ये पोस्ट कार्बन है जो कि मेम्ब्रेन से पानी मिनरल निकलता है, उसे भी आप ऐसे निकाल के रख लीजिए। फिर आपको ये वाला फिल्टर खोलना है जो कि मेम्ब्रेन हाउसिंग है, इसी के अंदर मेम्ब्रेन फिट रहती है। ये रही आपकी मेम्ब्रेन, इसे आप इस तरह से बाहर निकाल दीजिए। ये न्यू मेम्ब्रेन इस तरह से आती है। मैं इस ट्यूटोरियल वीडियो के लिए इस मेम्ब्रेन को अभी नहीं खोल सकता, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसी मेम्ब्रेन को न्यू मेम्ब्रेन कैसे इंसर्ट करें। आप इसे उसी तरह, ये ब्लैक रिंग जो बड़ी वाली है वो बैक साइड आनी चाहिए, आप उसे दोबारा इस तरह से अंदर इंसर्ट करके टाइटली पुश कीजिए, फिर बाद में वापस इस कैप को लगा दीजिए। इसे एकदम टाइटली फिट कीजिएगा तो लीकेज हो गया आपकी मशीन में। फिर वही चीज़ आपको करनी है, ये जो पंप से जो पाइप निकल रहा है वो मेम्ब्रेन हाउसिंग में लगेगा, और ये जो पोस्ट कार्बन है, ये पोस्ट कार्बन वो आपका जो है मेम्ब्रेन से मिनरल पानी निकलता है तो पोस्ट कार्बन में जाता है, वो इसे आप इस तरह से लगा दीजिए। और ये जो पोस्ट कार्बन से निकल रहा है वो आपका टैंक में जाएगा। और ये जो प्री कार्बन है, सेडिमेंट से आपका पानी बाहर से अंदर जाता है, फिर बाद में सेडिमेंट से आपका ये प्री फिल्टर में आता है, फिर प्री फिल्टर से आपका ये पंप में जाता है। ये पंप का जो है ये आप इस तरह से सेडिमेंट से प्री में इस तरह से लगा दीजिए। और ये जो है पंप से निकल के आया है, जो पंप में जाएगा, प्री से पंप में जाएगा, आप इसे इस तरह से लगा दीजिए। ये आपका रेडी हो गया मशीन। आप दोबारा इस कांच को इस तरह से फिट कर दीजिए। रेडी हो गया आपका मशीन।